संसाधन विकास मंत्रालय एवं सभी उपस्थित सभागणों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर स्वागत करने का मेरा परम सौभाग्य है। अब मैं माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से निवेदन करती हूँ कि वे फूलों की लालिमा से सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री महोदय एवं सभी विद्यार्थी व अन्य अतिथियों का अपने शब्दों में स्वागत करें। मंच पर विराजमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिस सभागार में उपस्थित सज्जन और विशेषता विद्यार्थियों को मैं टीचर्स डे की शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माना जाता है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक हमारे गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच एक सेतु का काम करते हैं, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन हुआ है जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विद्यार्थी के शिक्षक के प्रति भावना को किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकें, इसीलिए विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच एक सेतु शब्दों का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आप को विशेषतः धन्यवाद देती हूँ, आपका साधुवाद और अभिनंदन करती हूँ। कई स्कूलों में देखा गया है कि टीचर्स डे पर हमारे विद्यार्थी कुछ क्लासेस में शिक्षक का रूप धारण करते हैं शिक्षक के सम्मान में। एक शिक्षक से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, स्मृति जी मैंने कई विद्यार्थी ऐसे देखे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे टीचर बनना है। मैंने उस विद्यार्थी से कहा कि टीचर्स डे के दिन तुम मेरी क्लास का नियंत्रण करो। विद्यार्थी ने पूरा दिन बड़ी मेहनत की और मुझसे अपेक्षा की कि मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा। विद्यार्थी जब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और कहा कि सर डिड यू इवैल्यूएट मी, डिड आई डू वेल, तो मैंने मुस्कुराते कहा कि तुमसे बेहतर टीचर महेश बन सकता है। तो उसका चेहरा उतर गया, उसने कहा वाई सर, हाउ कैन आई डू बेटर। तो शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा, एक काम करो, आज तो क्लास को पढ़ाया है, स्कूल के बाहर एक कुम्हार है, अगर एक माह तुम उस कुम्हार को पढ़ा सको तो माने कि तुम अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इस विद्यार्थी ने पूरे एक महीने तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन एक महीने बाद आकर उसने अपने टीचर से कहा, सर आई फेल्ड, आई कुड नॉट टीच दिस पॉटर, द पॉटर हैड नो टाइम। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तुम्हें, महेश भी इस कुम्हार को पढ़ा नहीं पाया था। तो उस विद्यार्थी ने कहा, सर देन हाउ डू यू थिंक दैट महेश इज अ बेटर टीचर देन आई एम। उसने कहा, तुम दोनों इस कुम्हार को पढ़ाने में असफल जरूर रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि महेश जब एक माह बाद लौटा तो कम से कम मिट्टी का घड़ा बनाना सीख चुका था। अ टीचर इज वन हु नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो वन हु लर्न्स इन द जर्नी ऑफ टीचिंग। सो टुडे वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू नॉट ओनली दोज टीचर्स हु टॉट अस हाउ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून बट हु ऑल्सो हेल्प्ड अस in our journey from the head to the heart. Thank you teachers, ladies and gentlemen, शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जन्मतिथि पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आज भी शिक्षकों को प्रेरित एवं विद्यार्थियों को अभिभूत करते हैं। आइए विद्यार्थियों के ही शब्दों में इस प्रेरणा के अद्भुत स्रोत के बारे में जानें। सबसे पहले आ रहे हैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस के कथन सूरी। नमस्कार, मैं कथन सूरी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस का छात्र। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर, जो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, पर आपका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को ही समर्पित कर दिया, और जीवन पर्यंत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें हमेशा एक विद्यार्थी ही बनाए रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन
न केवल शिक्षा जगत के मानदंड, महान वक्ता, राजनीतिविद थे, अपितु वे भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म के भी शिखर पुरुष थे। इन्हीं विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों के समक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से संबंधित कुछ संस्मरण प्रस्तुत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो अब मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पहनावे के ढंग को किसी भारी दबाव के कारण बदला नहीं। बात उस समय की है जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भाषण देने के लिए विदेश जाना था, तो उन्होंने अपनी भारतीय पोशाक ही धारण की और विदेशी सभा को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही संबोधित किया। यह डॉक्टर राधाकृष्णन जी की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था एवं सम्मान को प्रकट करती है। सभा में उपस्थित कुछ लोग शायद इस बात से अपरिचित हों कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन परिस्थितिवश किया, ना कि अपनी इच्छा से। पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपने चचेरे भाई की दर्शन शास्त्र की पुस्तकों से ही अध्ययन किया और इस आकस्मिक निर्णय ने उनके शैक्षिक जीवन की दिशा को ही बदल दिया और इस क्षेत्र में उन्होंने विद्वता हासिल की। तो ऐसे थे हमारे प्रतिभाशाली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वाद का एक संस्मरण करें। अब आपके सामने आ रही हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय माता सुंदरी रोड की करुणा कुमारी। Honorable Prime Minister Sir, Minister of HRD and the other distinguished guests, I would like to extend a very very warm hearted welcome to all of you today. On the occasion of Teachers Day, I, Karuna Kumari of Class 8 from Sarvodaya Vidyalaya, Mata Sundari Road, feel extremely privileged and blessed to share some most beautiful traits of Dr. Radhakrishnan's personality with our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, who himself is a man of dynamic personality with a simple heart. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second president of Free India, was a great philosopher and who taught philosophy in many universities of India. As a tribute to his close association with the cause of teaching, his birthday came to be observed as Teachers' Day. Whatever position he held, whether as a president, vice president, or even as a cultural ambassador, Dr. Radhakrishnan remained a teacher all his life. Now, I would like to shed some light upon some of the other aspects of his personality. Dr. Radhakrishnan was a man of extraordinary simplicity who firmly believed in simple living and high thinking. Every day, he would sit in his veranda on a mat and greet every passerby. He used to talk to them very kindly and very sweetly. He even loved children very much and motivated them everywhere. He would stop two sisters of his friend when they were on their way to school and encouraged them to sing. Though he was a man of great intelligence, great learning, but yet he never discouraged youngsters from talking to him even in faulty English. Now I would like to share one more incident about his personality. That once his friend Dr. K. Ishwara Dutt, who was the journal editor of the book The Man and Its Evolution, handed one of his essays on Ruskin Bond to Dr. Radhakrishnan. He went through it in detail, just like a typical school teacher. He smiled many times while reading the essay, but he didn't discourage him
or give him any serious advice. All he said after reading the whole essay was, be simple, direct and pointed. So you people see that such a man of great ethics was he. Today, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan is not among us, but his nature, his reflection can be seen in each and every teacher. So I salute the whole teaching fraternity. Thank you very much. Thank you, Karina. That was beautiful. Would you come on to the stage now and accept the Prime Minister's blessings, my dear? I call upon Tavishi Sheen of Government Girls Senior Secondary School, Pitampura. I am Tavishi of Class 10th from GGSS School, SC Block, Pitampura. A very hearty good afternoon to the Honorable Prime Minister, the HRD Minister, and all the other dignitaries present here. Today, it's my proud privilege to speak few words on our former President, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, dynamic in personality, quiet in nature, just in decision, prompt in action, simple in dress, austere in habits. Such was our Reverend Dr. Radhakrishnan. He was a loving person and a lovely emblem of our age-old Indian culture and civilization. On the auspicious occasion of Teacher's Day, we all feel proud to remember him as the great guru of all times. He was the multifaceted personality who always propagated the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the whole world is a family. According to him, on this occasion, every teacher must take this pledge that they will make their students good human beings and not some mere scientist or engineer. In a very interesting incident, once at Mysore University, one of his students asked him whether he had been abroad for his education. He simply replied, "No, but I will go there to teach." Such was his determination, and he did go abroad to teach. He was very friendly with his students, and when going to Calcutta University, he was given a very unique farewell by his students, where his carriage was pulled by his students instead of the horses. Isn't it unique? It is. As told by one of his students once at Calcutta University, one of his students said, at the Calcutta University, a philosopher gave a speech for about 50 minutes, but the audience could not get him. Then Dr. Radhakrishnan got up and spoke the gist within 10 minutes. Surprisingly, whole audience was satisfied. Such was our great Dr. Radhakrishnan, an eloquent speaker, a philosopher, a biographer, and what not. Above all these, he was a good human being and the precious jewel of our nation. Thank you. Thank you, Tavishi. I request you to come onto the stage now. श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे देश भर के उत्सुक बच्चों को शिक्षक दिवस पर संबोधित करें।
देश भर में बिंद बिंद स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे यह प्रेरक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम इस बात को उजागर करें, समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है। और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हम सबको खोजना पड़ेगा। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे। भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा? ये भाव कैसे जगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक उत्तम सेवा इस देश की है। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, वो शिक्षक का जन्मदिन मनाने का आग्रह करते थे। ये शिक्षक दिवस की कल्पना, खैर अब तो दुनिया के कई देशों में इस परंपरा को जन्म मिला है, दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, उसके जीवन की सफलता के संबंध में 2 बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी मां का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान,
करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन में है, ये बात हमें सुनने को मिलती है। लेकिन यही बात हम जहां है वहां हम एक सजगता पूर्वक उसको जीने का प्रयास करते हैं क्या? एक जमाना था शिक्षक के प्रति एक ऐसा भाव था, यानी पूरे छोटा सा गांव हो तो पूरे गांव में सबसे आदरणीय कोई व्यक्ति हुआ करता था तो शिक्षक हुआ करता था। पूरा गांव ये मास्टर जी ने कह दिया है, नहीं नहीं मास्टर जी बता रहे थे, ऐसा एक भाव था। धीरे धीरे स्थिति काफी बदल गई है। उस स्थिति को पुनः प्रस्थापित कर सकते हैं। एक बालक के नाते आपके मन में भी काफी सवाल होंगे। आप में से कई बालक ऐसे होंगे जिनको छुट्टी के दिन परेशानी होती होगी, उनको लगता होगा बस सोमवार कैसे आए और ये संडे को क्या किया सब जाकर के टीचर को बता दूं। उसका मन उसको जो अपनी माँ को नहीं बता सकता, अपने भाई बहन को नहीं बता सकता, वो बात अपने टीचर को बताने के लिए वो इतना लालायित रहता है, इतना अपनापन हो जाता है उसको। आप में ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, उनको भी ऐसा होता होगा। और वही उसके जीवन को बदलता है, फिर उसका शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, वो बाल भी ऐसे सजाएंगे जैसे अपना टीचर सजाता है, कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे अपना टीचर पहनता है, इतना उनको वो इनके लिए हीरो होता है। ये जो अवस्था है, उस अवस्था को जितना हम प्राणवान बनाएं उतनी हमारी नई पीढ़ी तैयार होगी। चीन में एक कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं। मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी, मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी न हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक भी के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने से ऐसा काम है। लेकिन मुझे उसमें जो देश भर के स्कूल के टीचर मुझे सुन रहे हैं, मुझे हर स्कूल से मदद चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ, तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारा हमारे स्कूल में हमारे चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है, आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे जाकर के मीडिया वालों को पूछना पड़ेगा, वरना ये 24 घंटे चल पड़ता है। मैंने क्योंकि एक दिन देखा था जब मैं गुजरात में था तो एक टीवी पर कार्यक्रम आ रहा था, कार्यक्रम ये था किसी स्कूल में बच्चे सफाई कर रहे थे और क्या तूफान खड़ा कर दिया था कि बच्चे स्कूल में सफाई करते हैं, ये कैसे स्कूल है, ये कैसे मैनेजमेंट है, कैसे टीचर है, बच्चों पर दमन कर रहे हैं, सब कुछ मैंने देखा था एक बार। खैर मैंने उनसे तो मजाक कर ली, लेकिन
हम इसको एक राष्ट्रीय चरित्र कैसे बनाए, और ये बन सकता है, इसको बनाया जा सकता है। दूसरा, मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बने होंगे, बहुत कुछ होंगे, क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करके सप्ताह में ज्यादा नहीं एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? विषय तय करें स्कूल के साथ बैठ करके। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान ने पढ़े लिखे लोग सप्ताह में एक पीरियड, कितने ही बड़े अफसर क्यों ना बने हो, वो जाकर के बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ सिखाएं। आप मुझे बताइए, शिक्षा में मान लीजिए कहीं पर शिकायत है कि भाई अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, टिकना नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हम राष्ट्र निर्माण को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें, हर किसी की शक्ति को जोड़ें, हम ऐसा देश नहीं है कि जो किसको इतना पीछे रहने की जरूरत है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए हमारा राष्ट्रीय चरित्र कैसा बने, इस पर हम लोगों का कोई एम्फेसिस होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और हम सब मिल करके करें, इसको किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते आपके भी बहुत सारे सपने होंगे, मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती है, नहीं रोकती है, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के वे आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ रहा है, मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, हम हमारे कुछ अगर हमें सीखना पड़े तो सीखें, भले हमारे आयु 40, 45, 50 पर पहुंची हो, लेकिन हम सीखें। और हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे वंचित न रखें। अगर हम उसे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए वो आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े, वो विश्व को उस रूप में जानने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं कभी कभी बालकों से आपको भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे आप लोग? देंगे? अच्छा, आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से? कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी? करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है? ऐसे कितने हैं? ये बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं? वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए।
जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े, किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र तो वो पढ़ना चाहिए, सिने जगत में किसी ने प्रगति की है उसका जीवन पढ़ने को मिलता है तो वो पढ़नी चाहिए, व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है उसका जीवन चरित्र मिलता है उसको पढ़ना चाहिए, साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के काफी निकट और बाय एंड लार्ज सत्य को समझने की भी सुविधा पड़ती है, और इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए, वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं भैया पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है, कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ, इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है, और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा उन सबसे गप्पे गोष्ठी करना, बहुत हल्का फुल्का का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है, आपके शिक्षक ने कहा होगा हाथ ऐसा मत करो यूं मत करो ऐसा सब कहा होगा ना, हाँ तो आपके शिक्षक ने जो कहा है वो यहां से जाने के बाद उसको पालन कीजिए, है अभी हंसते खेलते आराम से बैठिए और हम बातें करेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, टीचर्स डे पर देश के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम जैसे अनेकों के जीवन में बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, उस सबका ऋण स्वीकार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके शब्दों ने न केवल बच्चों को अपने शिक्षकों को भी प्रेरित किया है और बेहतर होने का सपना देखने का? 15 अगस्त का संकल्प, जिसका अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया, उसी संकल्प को कार्यान्वित करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की विवरणिका का विमोचन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने विचार आपके सामने रखने को सभी बच्चे व्याकुल हैं। आपकी अनुमति से हम कुछ प्रश्न इन बच्चों से सुन लें जो वे आपके निमित्त करना चाहते हैं। पहला प्रश्न, नमस्कार सर, मैं अक्षय, कक्षा 11वीं बी का छात्र, सर्वोदय शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानकपुरा मोतीबाग नंबर 2 से हूँ। सर, जब आप प्रधानमंत्री बने तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है, एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा क्रम चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं आप पूछना क्या चाहते हैं। वैसे कोई बड़ा फर्क मैं महसूस नहीं करता, मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है,
उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एकाध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था, यहां रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए, तो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कार्य का अनुभव होने के कारण इस दायित्व को संभालने में, समझने में और अफसरों के साथ काम लेने में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत सरलता से मैं इसको कर पाया। और आगे देखेंगे कोई अगर ऐसा बदलाव नजर आए तो। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं निदा राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 जामा मस्जिद में 11वीं कक्षा की छात्रा हूं। सर मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूं कि सर आपके जीवन में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है, आपके अनुभवों का या आपके शिक्षकों का? बड़ा टिकली सवाल है क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि अनुभव ये सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं जरा उसको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। और इसलिए अनुभव उत्तम शिक्षक है स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पिक पॉकेटर आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ो। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है। और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया, तो मेरे लिए दोनों का उपयोग हुआ है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम सिंपल है, मैं आपके प्रम सेक्टर 5 कॉर्बेट वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सर क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह बहुत सामान्य परिवार से हूं और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। और नहीं, और दूसरा धीरे धीरे करके मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए
कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवाते हैं, ये बेटा है ना उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है, फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं तो, और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए डॉक्टर बनना था टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, करने का आनंद बहुत रहेगा। और इसलिए मेरे जीवन में काम ये बात बहुत काम आई है। धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चिराग बंसल जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली की कक्षा 11वीं का छात्र हूं। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो लाभ के लिए नहीं करने चाहिए, और जब लाभ के लिए नहीं करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं देश के टीवी वालों का आभारी हूं, एक बहुत अच्छा काम किया आज उन्होंने, मुझे समय नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा। उन्होंने अलग अलग जगह पे बालकों को पूछा आज, अच्छा बताओ भी प्रधानमंत्री से आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है? शायद बालकों को अपनी बात बताने का ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं मिला होगा, और इसलिए मैं ये टीवी मीडिया वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत उत्तम काम किया। सब बहुत सारे बालक बहुत सारी बातें आज टीवी पर बता रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज पूरा दिन टीवी हमारे देश के इन बाल मित्रों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये अच्छा है, ये अपने अच्छा है। और मैं मानता हूं यही मेरे सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वरना देश हमारे चेहरे देख देख करके थक गया है जी। आप लोगों के चेहरे देखता है तो पूरा देश खिल उठता है, आपकी बातें सुनता है। मुझे भी इतने बालकों की बातें हुई, इतना आनंद आ रहा था, वाह हमारे देश के बच्चे कितना बढ़िया सोचते हैं। आप लोगों से मिलकर के मुझे वो अनुभूति होती है, मुझे वो मिलता है। बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाती है। Hi, good afternoon to all of you. Honorable Prime Minister Sir, I am Prerna of Class 10th from Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar. Sir, people say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly, and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? मैं एक छोटी घटना बताता हूं। मैं छोटा था तो जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था, और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार
एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडाटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजे। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने, उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडाटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडाटा कोई 10 पेज का था, वो पूरा वहाँ पढ़ा गया बड़ा विस्तार से, जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ, वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, वो पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था, मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन की हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं, ऐसा मैंने जवाब लिखा था। तो मैंने कहा मैम मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडाटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो, अब मैं खुद तय नहीं कर सकता हूं मैं क्या हूं, लेकिन जो आपने कहा कि मैं हेडमास्टर की तरह काम करता हूं, मैं मालूम नहीं तुम्हारे हेडमास्टर आए हैं क्या स्कूल के, तुम्हारा क्या होगा बताओ। वो कल तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे हेडमास्टर कैसे हैं मुझे बताइए। सर बहुत अच्छे, सर काइंड है, स्वीट है, सर समझते हैं बातों को। लेकिन तुम मुझे ऐसे हेडमास्टर के रूप में पूछ रही हो कि कुछ और। देखिए मैं ताश मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी हूं और समय पे काम हो इसका आग्रही भी, और शायद मैं इतना डिसिप्लिन ना होता, और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूं और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूं, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूं, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूं। तो उस रूप में मैं काम करता हूं, बाकी तो मैं नहीं जानता हूं। अगर तुम्हारी स्कूल की जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखती हो तो आई एम थैंक यू फॉर यू। थैंक यू। जो इस अवसर में सम्मिलित होना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें जोड़ लें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर पूर्व में इम्फाल से। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल सर, माय नेम इज निक्सन सिंह लाइस्ट्रम एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग इन टोस साइंस एट नवोदय विद्यालय खुम्बोंग इम्फाल वेस्ट सर। वी विश यू अ हैप्पी टीचर्स डे सर। एंड ऑनरेबल सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? ₹2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है
कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और जब आपके प्रधानमंत्री पद के शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। अगला सवाल भुज से। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विपुल कुमार, कक्षा 11वीं विज्ञान, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, थल सेना भुज से। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर, सर अभी अभी आप जापान गए, आपने वहां एक विद्यालय को भी देखा, सर आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, ये उनका बड़ा आग्रह है। दूसरा मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते हैं, नियम है माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति यह है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करता है, ना जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका काफी प्रोसेस ही ऐसी है कि वो उस प्रकार से सोचता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है, और आदर करना वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के लिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे। हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया मुझे। धन्यवाद सर। अगला सवाल। Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Rakshanya Shekhar of Class 11 from Kendra Vidyalaya Pattam, Thiruvananthapuram. And sir, our question is, so if you were a teacher, whom would you concentrate more on? An intelligent student who is lazy or an average student who is very hardworking? Bada teda sawal hai.
उसने पूछा, अगर आप शिक्षक होते तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच मैं अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट पर, उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30ों को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, एक के अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं, और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो जी अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना। अगर टीचर ये कहेंगे हाँ ये 4 यार ब्रिलियंट है, बस उन्हीं पे ध्यान दूँ, वो आगे निकल जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, ये छोड़ो यार ये तो बेकार है, उसके माँ बाप देख लेंगे, टीचर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे माँ अपने घर में 3 बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए 3ों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता, सबके सब अपने होते हैं। हर एक के गुणों को जानना चाहिए। और जब 30 स्टूडेंट के क्लास को टीचर पढ़ाता है तब 30 के बल्क को नहीं पढ़ाता है, उसको एड्रेस उस 30ों को इंडिविजुअल करना होता है। बताते समय भी उसको ध्यान में रखता होना है कि एक वाक्य उस बालक के लिए बोलेगा जिसको समझने में देर लगती है, एक वाक्य उसके लिए भी बोलेगा जो तेज तरार समझ लेता है। अल्टीमेटली सबको समान रूप से परोसने की कोशिश करेगा। और इसलिए तिरुवनंतपुरम से जो सवाल पूछा गया, अगर मैं टीचर होता तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष का नहीं होता, कोई प्यारा कोई कम प्यारा ऐसा नहीं हो सकता, सब पे सब अपने होने चाहिए। थैंक यू सर। दक्षिण से चलते हैं एकदम उत्तर भारत ले में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्ते और जुले। मेरा नाम रिगजिन आंगमो है, मैं केंद्रीय विद्यालय ले में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं अभी ले आया था, मालूम है? यस सर। हैं आप लोग थे? हाँ जी सर। मैंने लेह में क्या बताया था, याद है? मैं पहले बहुत आता था ले, और जब मैं ले आता था तो ये दिल्ली के हमारे जो साथी थे वो मुझे कहते थे कि मोदी जी ले जा रहे हो तो आते समय वहां से गोभी आलू जरूर ले आना, मालूम है ना जी। लेह में ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत अच्छी गोभी और आलू मिल जाते हैं। मैं काफी देर सारा वापिस आते समय ले आता था जब वहां मैं काम करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उन्होंने, पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है क्या ऐसा जो शरारत ना करता हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर बालक मन, और कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है, उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए, ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी, अब
आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर, शहनाई। तो शादी शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं शादी के जब होता है। तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती है और शहनाई वाले बजाते हैं, तो हम दो तीन दोस्त थोड़े शरारती थे, तो हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। बताए इमली दिखाने से क्या होता है, क्या होता है, आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है, शादी आता है ना। तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना। नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई ले? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग टू? यस सर। और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बता दूं, बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे। पक्का? पक्का? हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे और लोग शादी में खड़े होते हैं, खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। yes, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा। yes, प्रॉमिस? yes, ले ले वाले बताइए प्रॉमिस। yes, हाँ। धन्यवाद श्रीमान जी। करना चाहते हैं दंतेवाड़ा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? मैं बस्तर के इलाके में बहुत दौरा मैंने किया हुआ है, दंतेवाड़ा पर भी मैं आया हुआ हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बस्तर में शिक्षा के लिए बहुत नए इनिशिएटिव लिए हैं। इन दिनों तो कुछ मौलिक चीज़ें जो दंतेवाड़ा में ही हुई है, मैं मानता हूँ देश के शिक्षाविदों का ध्यान, देश के शिक्षाविदों का ध्यान आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया है उस पर जाएगा। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। यस सर। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले, दो परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए 10 टॉपर देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए। देश के विकास में इतनी बड़ी
ताकत 50% इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों, मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट होने के न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रह पूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने। बच्चियां स्कूल तो अब दाखिल हो रही, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल करें, लेकिन कभी तीसरी कक्षा तक, कभी पांचवी कक्षा तक, ज्यादा ज्यादा सातवीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा ध्यान है और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है। अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बस्तर जिले में आप लोगों को शिक्षा के विषय में इतनी चिंता है, इतना लगाव है, और एक बालिका के मन में ऐसा जब सवाल आता है ना तो बहुत आनंद होता है कि वो बालिकाओं की शिक्षा की चिंता एक बालिका कर रही है, वो भी दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में से, जहां माओवाद के कारण लहूलुहान धरती हो चुकी है, वहां से शिक्षा की चिंता करने वाली एक बेटी। मैं मानता हूं देश को जगाने की ताकत है इस सवाल में। लोग शेखी सर भी और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। दो क्षेत्रों में अभी बच्चे और हैं। हाँ हाँ, करिए करिए करिए, बात कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सुदक्षिणा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम बच्चे देश की विकास एवं उन्नति में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुद अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, हम सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप में से कई बच्चों को मैं अगर पूछूं, स्कूल से जाने जाते ही अपना जो स्कूल बैग है ऐसे ही जाते ही फेंक देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? सच बताइए आप। देखिए, कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए। फिर मम्मी क्या करती है, उठाएगी, ठीक रखेगी। और कुछ बालक होंगे, घर में कितने ही मेहमान बैठे होंगे, बहुत कुछ चलता होगा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं, सीधे अपने जहां स्कूल बैग रखते हैं वहां जाएंगे, स्कूल बैग ठीक से रखेंगे, जूते ठीक से निकालेंगे और फिर आकर के सबको नमस्ते करेंगे। इससे दो प्रकार के बालक होते हैं। अब आपको तय करना है कि अगर आप ढंग से जीते हैं तो आप वो देश सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई, देश सेवा मतलब देश के लिए मरना, या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना। ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाओ, बिजली बचाने का विषय आप अगर घर में तय करो, और मैं ये सब बच्चों से कहता हूं कि आप इस बार तय कर में घर जाकर के पूछिए अपने मम्मी पापा को कि अपना घर में बिजली का बिल कितना आता है। अभी तक आपने कभी नहीं पूछा होगा। बालक क्या करता है, मुझे ये चाहिए, कंपास चाहिए, मुझे ये चाहिए, टीचर ने ये मांगा है, उतना ही उसका घर के साथ संबंध, पैसों के संबंध में आता है। मुझे आज दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, मम्मी इतना पैसा दे दो, ये आता है। कभी घर के कारोबार में आपने इंटरेस्ट लिया क्या? एक काम कीजिए, घर में मम्मी पापा सब जब खाना खाने के लिए बैठे तो पूछिए कि अपने घर का बिजली का बिल कितना आता है, पूछिए उनको। फिर उनको कहिए, अगर ये 100 रुपया बिल आता है
हम क्या 90 रुपए बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपए का बिल आता है, 45 रुपए हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा, ये बहुत बड़ी देश है। एक पौधा लगा करके जो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वैसी अपना परिवार बिजली बचा करके उतने ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। और इसलिए देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों में देशभक्ति का प्रकटीकरण होता है। और उन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उससे बड़ी देश सेवा क्या होती है? वही बहुत बड़ी देश सेवा है। थैंक यू। तिनसुखिया के बच्चे हैं। नमस्कार सर, आई एम अनिशा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस। सर, मी एंड माय फ्रेंड्स हियर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय तिनसुखिया विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वी इन असम फील वेरी कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सर, हाउ कैन यू हेल्प एंड गाइड अस टू प्रोटेक्ट आवर प्रिस्टीन एनवायरनमेंट? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है? हम अपने आप से पूछें। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे, पानी हो, वायु हो, पौधे हो, हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। प्रकृति के प्रति, और हमारा देश कैसा है देखिए, हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब बिस्तर से नीचे उतरोगे, पैर जमीन पर रखोगे, तो पृथ्वी माता से माफी मांगो कि हे पृथ्वी मां, मैं पैर रखता हूं, आपको दर्द होता होगा। वहीं से संस्कार शुरू होते कि नहीं होते? हम बालक होते हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या कहती है, देखो ये चांदा है ना, ये चांदा तेरा मामा है, कोई रिश्तेदारी है क्या? लेकिन वो सिखाते हैं चांदा तेरा मामा है, ये सूरज है बोले तेरा दादा है, कहते कि नहीं कहते? ये चीजें हमें सहज रूप से, ये पर्यावरण की शिक्षा हमारे सहज जीवन में थी, लेकिन पता नहीं ऐसा बदलाव आया, अपना सब बुरा है, इतना हमें
मार ठोक करके दिमाग में भर दिया गया है और उसके कारण हमारी यह हालत हो गई है। मुझे अभी नागपुर के मेयर मिले थे, मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं, और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का, तो पहली बार और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है सब लोग बाहर आइए, तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर पे बाहर रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा ले रहे थे, लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है, सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा, कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है, कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है। देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे बेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो, एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो सुई में धागा परोना चांदनी के प्रकाश में, सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे? यस सर। मैं विश्वास करूं? सारे देश के बच्चों से विश्वास करूं? आप मुझे बताइए चांदनी रात को भी अगर 2-3 घंटे बिजली बंद रखी, स्ट्रीट लाइट बंद रखी, पर्यावरण की सेवा होगी कि नहीं होगी? चांदनी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्यावरण से प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रकृति से प्रेम होगा कि नहीं होगा? यही तो करना चाहिए, तो सहज रूप से किया जा सकता है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना करते हुए भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ बाकी हैं जिनके प्रश्न बाकी हैं? हाँ, अब आए हैं तो पूरा ही करेंगे। उत्सुक है बच्चे। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम प्रिया चतुर्वेदी फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका न्यू दिल्ली। सर, इज पॉलिटिक्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन इन योर ओपिनियन? हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड वर्क प्रेशर सो वेल? पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए। इको हो रहा है जरा, कोई माइक को ठीक करें। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाव नहीं जगता है। एक बहुत पुरानी घटना है, एक 5 साल की बालिका अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी, तो एक महात्मा ने उसे पूछा बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ये तो मेरा भाई है,
महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं नहीं मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा नहीं मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें थकान नहीं लगती। तीसरी बार उसने कहा अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा अरे भाई मैं सवाल पूछता हूँ। उसने कहा मैं आपका सवाल समझती हूँ, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची, जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में है, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, अपनापन ये चिरंजीव होता है। और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है, और दूसरा शरीर की जो बायोलॉजी काम करती है, तो आप जैसे बच्चों से गप्पे मारते हैं तो ठीक हो जाता है। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सूरज दीवान है, मैं केंद्रीय विद्यालय आईने कॉलोनी का छात्र हूं और कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने गुजरात पढ़ो यानी कि वाचे गुजरात नाम से एक अभियान शुरू किया था। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही कोई अभियान शुरू करने के बारे में आपने विचार किया है? ऐसा तो विचार नहीं किया है, लेकिन एक और बात मेरे मन में चल रही है, वो है डिजिटल इंडिया। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं में पहुंचे, और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए, उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर ये उसका आदत बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मेरा जो डिजिटल इंडिया का जो मेरा सपना है, काम सारे मैं हाथ में ऐसे ले रहा हूँ जो बड़े कठिन है, लेकिन अगर कठिन काम नहीं हाथ में लेंगे फिर कौन लेगा? अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? मैं ले रहा हूँ। दूसरा, ये जो मेरा आज का कार्यक्रम है उससे मैं एक प्रकार से मैपिंग कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, कि सचमुच में हमारे देश में इतने सालों से चर्चा चल रही है, 21वीं सदी की सुन रहे हैं, कंप्यूटर सुन रहे हैं, क्या कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि सचमुच में हिंदुस्तान की कितनी स्कूलें हैं जहां कम से कम मेरा ईमेल पहुंचता है, कितनी स्कूलें हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मैं बालकों तक पहुंच पाता हूं। तो मेरा ये एक प्रकार का टेस्टिंग कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जैसे आपका तो ही है, लेकिन मेरी सरकार के लिए भी मेरा एक भीतर से कार्यक्रम चल रहा है। और इसलिए जब आपने कहा पढ़ो भारत या भारत पढ़े, लेकिन मैं ये चाहूंगा कार्यक्रम मेरा हो या ना हो, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा शुरू में भी मैंने कहा था कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ने की तो आदत होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बाजार में पकौड़े खरीदा हो और पकोड़े खाने के लिए, पकोड़े का टेस्ट है, पकोड़े के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन जिस कागज के टुकड़े में पकोड़ा बांध करके दिया है ना, उसको पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार है, पढ़ना ही उसकी आदत है। पकोड़े के टेस्ट के बजाय वो पस्ती में अखबार का टुकड़ा आया है उसको भी पढ़ने का उसका मन कर जाता है। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। और जरूरी नहीं एक ही प्रकार का पढ़ो, आपको जो ठीक लगे, कॉमिक बुक्स रखते हैं, कॉमिक बुक पढ़िए आप,
कोई बंधन नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो कोई जरूर नहीं। पढ़ने की आदत होगी तो कहीं ना कभी आपको सही दिशा की चीजें पढ़ने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन अगर पढ़ने की आदत नहीं होगी, फिर आपके सामने कितनी बढ़िया से बढ़िया किताबें रही होगी, कभी हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। और मैं सच बताता हूं, एक विशाल सागर है, ज्ञान का इतना विशाल सागर है, और किताब जब पढ़ते हैं तो इतनी नई चीजें हाथ लगती है। किसी ने अभी जो पूछा था ना कि सीएम और पीएम बनने में क्या फर्क है, आप में कोई नजर आता है? ये तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन एक मुझे जरूर नजर आता है, मैं जब सीएम नहीं था तब मुझे पढ़ने का मौका मिलता था, मैं काफी पढ़ता था, मुझे मजा आता था, लेकिन बाद में मेरा वो छूट गया और मुझे, मैं उसको एक प्रकार का मेरा अपना व्यक्तिगत नुकसान भी देखता हूं। अब फाइलें पढ़ता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पढ़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात में जो मैं जब था वांचे गुजरात जो अभियान किया था, ये सचमुच मैं उसको समझने जैसा है। और उस समय स्थिति ये बनी थी कि लाइब्रेरियों में एक भी किताब मौजूद नहीं थी पूरे राज्य में, वरना कई लाइब्रेरियां ऐसी होगी कि जहां पर शायद उस कपबोर्ड को 10-10 साल तक सफाई नहीं हुई होगी। लेकिन उस अभियान के कारण, और मैं देख रहा था कि लोग इन्फ्लुएंस के लिए चिट्ठी लेने जाते थे कि फलानी उस लाइब्रेरी में बोला मुझे किताब दें, मुझे वो किताब चाहिए, क्योंकि निश्चित समय कालखंड में कितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसकी भी एक स्पर्धा थी। और बाद में उसका वायवा था, उन बालकों से क्वेश्चन आता क्या किताब पढ़ी कैसे पढ़ी। ये अभियान इतना ताकतवर था और पूरा समाज जुड़ा था, कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा था, सरकार ने एक इनिशिएट किया था, पूरा समाज जुड़ा था। मैं खुद भी उस वांचे गुजरात अभियान में मैं खुद भी लाइब्रेरी चला गया था, मैं भी वहां जाकर के पढ़ने के लिए बैठा था और हर एक के लिए कार्यक्रम बनाया था, एक माहौल बन गया था पढ़ने का। और मैं चाहता हूं कि पढ़ने का एक सामूहिक माहौल बनना चाहिए, स्कूल में भी कभी बनाना चाहिए, अपने स्कूल में भी, ये सप्ताह चलो भाई लाइब्रेरी की किताब ले जाओ, पूरा सप्ताह यही चलना है, नई नई किताबें पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, 7 दिन के बाद जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे 10 किताब कितने पढ़ी, 15 कितने पढ़ी, उसका वाइवा क्या था। तो ये अपने आप हर स्कूल अपना कार्यक्रम बना सकती है। लेकिन ये मैं, आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो गुजरात से ज्यादा आपको जानकारी मिल सकती है कि वो कार्यक्रम कैसा हुआ था, कितना बड़ा व्यापार, लाखों की तादाद में लोग इसमें लगे थे और करोड़ों करोड़ों आवर्स पढ़ाई हुई थी, अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान था। लेकिन मैंने भारत देशव्यापी इस कार्यक्रम के लिए तो सोचा नहीं है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से और शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अधिक आए, हमारे बालक नई नई चीजें खोजने लगे, दुनिया को समझने लगे, ये मैं जरूर चाहता। थैंक यू। Good afternoon, Honorable Prime Minister Sir, and first of all, Happy Teachers Day. I am Deepak Yadav, student of Class 11th Stream Science from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Vasantpur. Sir, in your speeches, you appeal to people to save electricity. In this regard, what is your expectations from us? How can we help in this? मैंने बताया, ऐसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन अनुभव ये है कि मान लीजिए हम पंखा चालू किया और अपने कोई दोस्त आ गए और हम बाहर खड़े हो गए, भूल गए पंखा बंद करना, अब ये हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम स्कूल से निकल रहे हैं, कोई स्टूडेंट तय करे मैं आखिरी निकलूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे क्लासरूम में कोई भी लाइट कोई पंखा कुछ भी चालू है तो बंद नहीं करूंगा। कभी कभार हम सुखी परिवार में खिड़की खोल करके खुली हवा में सोने की आदत ही चली गई, क्यों तो एसी की आदत हो गई, क्या कभी कोशिश की है क्या? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये भी, क्योंकि देखिए
आज एनर्जी का संकट पूरा विश्व का है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये सब की सीमा है, तो बिजली उत्पादन कहां से होगी? तो कभी ना कभी तो बिजली बचाने की दिशा में हमें जाना ही पड़ेगा। और बिजली बचेगी तो जिनके तक बिजली पहुंची नहीं उनको पहुंचाने में वो कम से कम खर्चे से करने वाला काम है। तो बिजली का उत्पादन बहुत महंगा है लेकिन बिजली बचाना बहुत सस्ता है। उसी प्रकार से इन दिनों सारे बल्ब टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग वाली आई है। पहले आपके घर की ट्यूबलाइट में जितनी एनर्जी कंजम्पशन होता था अब नए प्रकार की ट्यूब्स आई हैं, आपका एनर्जी सेविंग होता है, पैसे भी बच जाते हैं। और इसलिए ऐसे अपने परिवार में ही बात करनी चाहिए। और सिर्फ बिजली क्यों, पानी भी। हम ब्रश करते हैं और नलके से पानी चला जा रहा है, नल बंद करके भी तो ब्रश किया जा सकता है, फिर जरूर पड़े। लेकिन हम पानी कि हमें हमें ध्यान ही नहीं होता है कि मैं इन चीजों को कर रहा हूं, उसे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उन चीजों को भूल गए। फिर एक बार सारे शिक्षक अगर स्कूल में याद कराएंगे, सब परिवार में माहौल बनेगा और हम सब एक दायित्व तो लेकर के करेंगे तो ये काम होगा। ये ऐसा नहीं भाई कोई प्रधानमंत्री है तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा। और प्रधानमंत्री अपने घर में कितनी बिजली बचाएगा? लेकिन अगर देश सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा हम करते हैं तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही बन जाएगा। थैंक यू। Very good afternoon to you, sir. My name is Arunima and I'm from Gargi Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Greenfield. Sir, we are very happy with your support for girls' education. Sir, can you tell us what further steps you will take in this matter? एक तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, पांचवी कक्षा के बाद बालिका को अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता है तो माँ बाप भेजते नहीं है, उनको लगता है नहीं नहीं बच्ची नहीं जाएगी, और वहीं से उसकी बेचारी की जिंदगी को रुकावट आ जाती है। और इसलिए बालिका को अपने घर से निकट से निकट अधिकतम शिक्षा कैसे मिले, उसको शिक्षा छोड़नी ना पड़े। सिक्स सेवन्थ और सातवीं आठवीं के बाद तो फिर संकट नहीं रहता, फिर वो बच्चे भी उतने मैच्योर हो जाती है, माँ बाप को भी विश्वास हो जाता है कि आप बेटे को भेज सकते हैं, तो फिर उसको चिंता नहीं होती है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, सब राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि अधिकतम बालिका के लिए निकटतम स्कूल मिले, ये अगर हो गया तो उसको शिक्षा में सुविधा रहेगी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। आज कहीं का दूर सुदूर गाँव में अच्छा टीचर जाने को तैयार नहीं है, मैं रहना चाहता है तो उपाय क्या? तो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ हिंदुस्तान के हर कोने में, कहीं ले से, कहीं तिरुपति से, कहीं पोर्ट ब्लेयर से, सब दूर बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है। एक टीचर सेंटर स्टेज पर से एक साथ लाखों क्लासरूम को अच्छी चीज पढ़ा सकते हैं, इसके कारण और बच्चों में ग्रास्पिंग बहुत होता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। ये अगर हम कर पाए तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने में भी हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू। एक आखिरी सवाल के लिए हमारे पास वक्त है, आइए। नमस्कार सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शिवांगी है, मैं NDMC नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर की छात्रा हूँ। सर, हमारे देश में रोजगार की समस्या बनी हुई है। सर, क्या आप स्कूल्स में रोजगार परक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का सोच रहे हैं? सारी दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। एक घटना सुनाता हूं मैं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि स्किल डेवलपमेंट का कितना महत्व है।
आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे, और दादा धर्माधिकारी की छोटी 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 घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो दादा धर्माधिकारी ने एक प्रसंग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कोई एक नौजवान उनको मिलने गया और उसने कहा कि दादा कुछ नौकरी का करियर, वो पहचानता था उनको, मेरे लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ कीजिए, किसी को बता दीजिए। उनको उन्होंने पूछा भाई तुम्हें क्या आता है, तो उसने कहा मैं एमए हूं। तो कहा नहीं नहीं तुम एमए हो, नौकरी कहां दिलवानी, तुम्हें जानू तो उनका नहीं नहीं मैं एमए पास हूं ना। उनका भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है। फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा अच्छा भाई बताओ, उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था, तुम्हें टाइपिंग करना आता है, नहीं बोले वो तो नहीं आता। तुम ड्राइविंग करना आता है, नहीं बोले ये नहीं आता है। खाना पकाना आता है, नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है, नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले तुम एमए हो करोगे क्या। ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में सब बच्चे कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते, सातवीं में बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, दसवीं में आते आते और छोड़ देते हैं, और कॉलेज में और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले तो बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। एक गांव में से मुश्किल से एक या दो बच्चे जाते हैं, तो बाकियों का क्या। उनके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। अच्छा दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ नौजवान है बेचारा रोजगार नहीं, और दूसरी तरफ आपके घर में नलके में गड़बड़ है और आपको प्लम्बर चाहिए तो प्लम्बर मिलता नहीं है, आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए ड्राइवर मिलता नहीं, क्यों, तो लोग नहीं है क्या। लोग है लेकिन जैसे तैयार करना चाहिए ऐसे तैयार नहीं किए गए हैं। अगर हम अच्छे ड्राइवर तैयार करें तो लोगों को अच्छे ड्राइवर मिलेंगे, हम अच्छे कुक तैयार करें लोगों को अच्छे कुक मिलेंगे, हम अच्छा गुलदस्ता बनाने वाले तैयार करेंगे तो गुलदस्ता बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट ये विकास के लिए, किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट नॉन नेसेसरी कि इसी लेवल का हो, रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है। जिस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो जिस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है, अब जैसे मैं जब गुजरात में था तो नैनो कार वहां बनना शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये अगल बगल के जो आईटीआई जो है उसमें आप अपना एक सिलेबस शुरू कीजिए ऑटोमोबाइल का, नैनो वाले ही करें, और वहां के बच्चों को आप ऑटोमोबाइल का आईटीआई का ट्रेनिंग दीजिए, साल भर में आपकी कंपनी खड़ी हो जाएगी, साल भर उस बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने सारे को 15-20 किलोमीटर के रेंज में जितने आईटीआई थे वो ले लिए और वहां के बच्चों को ऑटोमोबाइल पढ़ाना शुरू किया। इधर कंपनी बन गई, उधर वो बच्चे तैयार हो गए, तुरंत उनको नौकरी मिल गई। तो जहां जिस प्रकार का काम है उसको मैपिंग करना चाहिए, मैपिंग करके उस प्रकार कहीं केमिकल इंडस्ट्री जाए तो उसके अगल बगल के गांवों के बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, तुरंत उनको काम मिल जाए। कहीं सिरेमिक का इंडस्ट्री है तो वहां के अगल बगल के बच्चों को वो काम देना चाहिए तो नजदीक में ही काम मिल जाएगा। और अगर ये हम करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत बड़ा एकदम जंप लगेगा। हमारे देश में रोजगारी सबसे प्राथमिक बात है और रोजगारी के लिए डिग्री के साथ स्किल का भी उतना ही महत्व है। और ये अगर हम करने में सफल हुए, आने वाले दिनों में जो हमने कार्यक्रम उठाए हैं उसी बात को लिए ये सरकार ने अपना स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मिनिस्ट्री बनाया है, अलग मंत्री बनाया है, तो उसको लेकर के हम फोकस एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसका परिणाम बहुत ही निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।
हो गए, सवाल पूरे हो गए। अच्छा, सारे देश भर के मेरे बाल मित्रों, मुझे अच्छा लगा, काफी विविध प्रकार के सवालों का मुझे सामना करना पड़ा, जवाब देने पड़े, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे डर लगता है आपके भीतर का बालक मुरझा तो नहीं गया है, बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए, हमारे भीतर के बालक को कभी मुरझाने मत दीजिए, भीतर के बालक को जिंदा रखना चाहिए, वो आपको जिंदा रखता है, और इसलिए हंसते खेलते, यही उम्र ऐसी है बच्चे जिसमें बहुत कुछ नया जानना समझना हिम्मत होती है, छोटा बालक दीवार पे चढ़ना है तो डरता नहीं है, वो उसका मन करता है, चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए अलग बात है, कोशिश करता है, वो वही तो बालक मन की ताकत होती है, वो जितना आप जी पाएंगे जिंदगी जीने की, वो एक बहुत बड़ी औषधि आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी, और इसलिए हम उसके लिए प्रयास करें। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, और हमारे सभी शिक्षकों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, और आदर ऐसा नहीं, हमेशा मैं कभी पहले स्कूलों में जाता था, लेक्चर वेक्चर देने के लिए बहुत जाता था, मेरे पास और कोई काम धाम था नहीं, तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में आप कितने अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा, तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गए हैं, मैं पूछता था इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या, बोले हाँ काफियों की हो गई, इतने से आपको शादी में कितनों ने बुलाया होगा, मैं हैरान था, मुश्किल से एक या दो स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था, मतलब कितना कट ऑफ है, टीचर है तुम्हारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए, टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए, उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए, ये नाता बनना चाहिए, यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार इतने विद्यार्थी पढ़ करके गए वो पूछता ही नहीं है, वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी, उस कमी को भरना ये अपनापन, और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता करके आनंद होता है इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं, कितने टीचर को चिट्ठी आती होगी, शायद किसी को अपना स्टूडेंट प्रगति करे जब उसके टीचर को बताने का उसका मन करे, ऐसी छवि ऐसे फुटस्टेप्स वो बालक के जीवन में रहे, ये अगर टीचर करता है, टीचर और बालक का नाता इस प्रकार का बनता है, मैं नहीं मानता हूं कि व्यवस्थाएं कभी रुकावट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी रुकावट बनेगा जिंदगी बदलने के लिए, ये अपने आप में बहुत काफी होगा, एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है वहां जो खाद डाला जाता है उसकी दुर्गंध होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी पसंद आए ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है, एक अनपढ़ माली भी ये कर सकता है, तो हमारे पास तो कितने फूल परमात्मा ने दिए हैं, उन फूलों को हम कैसे संवारे, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हम टीचरों का रहेगा, मैं मानता हूं हम देश और दुनिया को, ये देश बहुत कुछ दे सकता है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन से यही प्रेरणा ले और हम भी कुछ करें, मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, देश भर के बालकों से बातचीत करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये सबसे संतोष का काम है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्यक्रम करता था, फर्स्ट डे जब स्कूल ओपनिंग होती थी तो मैं खुद गाँव में जाता था जहाँ एजुकेशन ना हो, और वहां तो उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून महीने में,
45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गांव जाता था, बच्चों को घर घर जाकर के स्कूल ले जाता था। और मैंने एक बार कहा था भाषण में, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते शपथ समारोह का मुझे जो आनंद आता था, उससे ज्यादा आनंद उस गांव के गरीब की बेटी को स्कूल में दाखिल करते समय मुझे आता है। ये मेरा मिजाज है, इस मिजाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक अनन्य शिक्षक दिवस रहा। आज की अनुभूति में मुझे विश्वास है कि हम सभी कुछ अनोखे यादें लेते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभागणों की ओर से आपका हमारा हार्दिक धन्यवाद। नीचे जाना है तो कहाँ से है?